जनपद संभल के चंदोसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत आटा के प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका का राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने से परिजनों और स्टाफ में उत्साह का माहौल है। दो दिन पूर्व घोषित किए गए राज्य शिक्षक पुरस्कार की सूची में जनपद की एक शिक्षिका का नाम होने से साथ ही शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत आटा के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका चयनिका पांचणे का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है, जिससे उनके परिजनों और स्टाफ में उत्साह का माहौल है। इस विषय में उन्होंने बताया कि इस सफलता में उनके अधिकारियों और साथी शिक्षकों का पूर्ण सहयोग रहा है, जिससे सभी में बहुत उत्साह है। मुझे ये जो राज्य अध्यापक पुरस्कार 2019 हेतु नामित किया गया है और इसके मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है और मैं इस पुरस्कार का से अपने BSA सर और अपने सभी अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारी सर और अपने स्कूल के बच्चों, स्टाफ और अपने परिवार को समर्पित करूंगी। इसमें आपके पति की भी है? अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज ये विद्यालय और मैं यहाँ तक नहीं खड़े होते, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना स्कूल बहुत बड़ा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और स्टाफ कम है। उनके मॉरल सपोर्ट, उनके फिजिकल सपोर्ट के अलावा ये सब कुछ संभव नहीं था और वो थे तो मैं यहाँ हूँ। प्रदेश में भी एक स्थान हासिल करूँगी। इस स्कूल के कायाकल्प की कल्पना तो बहुत समय जब से मैं यहाँ पर पोस्टेड थी और मुझे लगता था, चूंकि यहाँ पर अधिकारियों का आना जाना था, वो हमेशा कहते थे कि इसको एक हम मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित देखना चाहते हैं, तो थोड़ा ये लगा कि चूँकि आप भौतिक वातावरण अगर इंसान को अच्छा मिलता है तो शैक्षिक गुणवत्ता को भी वो लोग सराहा कर जाते हैं, जबकि शैक्षिक गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि भौतिक परिवेश के। लेकिन चूंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो भौतिक परिवेश को भी यहाँ पर पूरा फोकस दिया गया।